नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम इमोट्स। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि देर इज अ वेरी पॉपुलर डिजिटल कलेक्टेबल कार्ड गेम और उसमें एन इमोट्स हैं। द आयत इमोट इंक्रीजेस द ओपोनेंट्स हैप्पीनेस बाय एआई यूनिट्स। ठीक है, हमको कुछ इमोट्स यूज करने हैं ओनली एम टाइम्स। मतलब जैसे हम कोई भी इमोट्स यूज कर सकते हैं एम टाइम। जैसे मान लीजिए 4 बार बोले तो हम 4 बार ये इनमें से कोई भी इमोट्स यूज कर सकते हैं। और हम लोग कोई भी इमोशन एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और क्या बोल रहे हैं, नॉट यूज एट ऑल। ठीक है, मतलब कि या तो एक बार यूज करो, या तो एक बार से ज्यादा यूज करो, या तो फिर यूज ही मत करो। हमारे पास तीनों फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी है। तो क्या बोल रहे, द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट कि हम लोग यू कैन नॉट यूज द सेम इमोट मोर देन के टाइम्स इन अ रो। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग कोई इमोट यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 6 है, तो 6 को अगर ये मान लीजिए कि वैल्यू उन्होंने 4 दे रखी, तो 6 को लगातार के बार 4 बार ही यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई दूसरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो दूसरा यूज करने के बाद आप फिर से उसको यूज कर सकते हो। ओके, इन अ रो बोल रहा है। तो फिर और क्या बोल रहा है, नोट दैट टू इमोट्स आई एंड जे सच दैट आई डज नॉट इक्वल टू जे सच दैट ए आई इज इक्वल टू ए जे आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, कि अगर दो इमोट्स जिनकी ये वैल्यू सेम है लेकिन उन लोग डिफरेंट इंडाइसेस पे, तो उनको डिफरेंट समझा जाएगा। और हमारा काम क्या है, टू मेक योर ओपोनेंट एज हैप्पी एज पॉसिबल, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल ओपोनेंट्स हैप्पीनेस। ओके, तो इनपुट कैसे लेना है, तो तीन इंटीजर्स एन, एम और के। एन की वैल्यू क्या, एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ इमोट्स, और एम की वैल्यू रहेगी कि कितनी बार हम इमोट्स यूज कर सकते हैं, और के क्या है, वो रो वाला था ना कि कितने एक इमोट्स को एक रो में कितने बार यूज कर सकते हैं वो। और उसके बाद क्या है, एन इंटीजर्स हमको, कि हर जो एरे होगी कि एन इंटीजर्स जो आयत इंडेक्स पे जो इमोट है उसकी हैप्पीनेस वैल्यू क्या है, और आउटपुट क्या करना है, मैक्सिमम ओपोनेंट्स हैप्पीनेस, ये हमको आउटपुट देना है। ठीक है, तो था क्वेश्चन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, देखिए ये इस प्रॉब्लम का ऐसे मतलब क्या है, ये जो है एन, हमको क्या है, एन इमोट्स दे रखे, ऐसे एरे दे रखी है, इसमें एन इमोट्स है। ठीक है, इमोट्स का मतलब है कि ये जो हर इंडेक्सेस पे हमको जो नंबर दिख रहे हैं, ये वो इमोट, मतलब वही इस इंडेक्सेस वाला इमोट हमारे ओपोनेंट को इतना हैप्पीनेस देगा। ठीक है, इंडेक्सेस जिस इंडेक्सेस पे जो इमोट है वो हमारे ओपोनेंट को इतना हैप्पीनेस देगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जितने इमोट्स हमको दिख रहे हैं इनमें से सभी को टोटल मिला के एम टाइम्स हमको यूज करना है। ठीक है, किसी को भी ऐसे, पहले मैंने एक 11 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 7 ले लिया, फिर एक 11 ले लिया, ऐसे करके टोटल हमको एम टाइम्स यूज करना है। और क्या करना है, मतलब इनका जो सम होता जाएगा, ऐसे हम एक वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स हैप्पीनेस, मैक्स हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है मैक्स हैप्पीनेस, ऐसे इसमें हम प्लस इक्वल करते जाएंगे इस अरे के एलिमेंट्स को, और ये जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम इनको कैसे ऐड करें कि ये जो मैक्स हैप्पीनेस है, मतलब जो ये वेरिएबल है उनकी जो हैप्पीनेस वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि एक बार में आप के ही यूज यूज कर सकते हो, के इन अ रो, ये एक कंस्ट्रेंट इन्होंने दे रखा है कि एक बार एक रो में आप, मतलब इन अ रो मतलब लगातार आप सिर्फ के टाइम्स ही यूज कर सकते हो किसी भी अमाउंट को। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम हैप्पीनेस है तो सीधी सी बात है, इस रो के जो सबसे बड़े बड़े एलिमेंट्स है मुझे उनको लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस अरे के सबसे बड़े बड़े एलिमेंट्स को लूंगा। ठीक है, और बड़े बड़े एलिमेंट्स को मैंने लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मेरे इसमें, मैं जितने ज्यादा बार ऐड करूंगा मेरा आंसर उतना बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। तो सबसे बड़े एलिमेंट को मैं मैक्स हैप्पीनेस में जितना ज्यादा बार ऐड कर सकूं करूंगा। ठीक है, अच्छा इतना समझ आ गया मुझे। फिर क्या है, देखिए ये बोल रहे हैं कि हम के इन अ रो ही यूज कर सकते हैं, मतलब लगातार के बार ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो भी मेरा सबसे बड़ा है, जो भी मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ 11 है, तो 11 को जो है मैं के टाइम्स ऐड करूंगा। ठीक है, 11 प्लस 11 प्लस 11, ऐसे करते करते मैं इसको के टाइम्स ऐड करूंगा। तो इतना इतनी बार इन अ रो हो गया, के टाइम्स इतनी बार इन अ रो हो गया। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो सेकेंड लार्जेस्ट मेरा एलिमेंट है एक बार उसको ले लूंगा।
कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ सात दिख रहा है, तो एक बार सात ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से मैं 11 बार इसको फिर से ऐड करूंगा, मतलब 11 को के बार फिर से ऐड करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11 मेरा लार्जेस्ट है और मुझे क्या करना है, मैक्स ये जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमम लेनी है, मतलब मैक्सिमम प्रिंट करवाना है, तो फिर से 11 ऐसे के टाइम्स करूंगा, और फिर से मैं जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एक बार फिर से ले लूंगा। तो ऐसा मैं कितनी बार करूंगा, टोटल मेरे पास कितना है, एम टाइम्स करना है, तो एम टाइम्स टोटल हम लोग ये करेंगे, ओके। तो ये था लॉजिक मैक्सिमम हैप्पीनेस करने के लिए, कि 11 को जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको के टाइम्स लेंगे, और फिर जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको एक बार लेंगे, उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको के टाइम्स, ओके। ये लॉजिक था। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए आप देखेंगे तो ऐसे हमको सेट्स मिल रहे हैं, ये एक सेट हो गया कि 11 रहेगा के टाइम्स फिर एक साथ आएगा, वैसे ये मेरा दूसरा सेट हो जाएगा, 11 रहेगा के टाइम्स 11 रहेगा और फिर क्या है, फिर एक सिंगल दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास सेट्स होंगे, तो ऐसे मेरे पास टोटल कितने सेट्स होंगे, तो अच्छा यहाँ जगह भी नहीं है, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कितने सेट्स होंगे, तो मेरे पास नंबर ऑफ सेट्स होंगे एम डिवाइडेड बाय के प्लस वन, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के सेट्स है वो मेरे पास कितने होंगे, एम डिवाइडेड बाय के प्लस वन, ऐसे टोटल सेट्स होंगे। इतनी बार मेरा क्या होगा, ये पूरा आएगा और ये सेवन भी आएगा, ओके। और फिर क्या है, इसमें का जो रिमाइंडर बचेगा उतनी टाइम्स मैं क्या करूंगा, मैं फिर से 11 ही ले लूंगा, जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा, जो मेरा m मॉड्यूलो k प्लस वन होगा। k प्लस वन मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इतना मतलब जो सेट है हमारा इतना बड़ा है, तो m मॉड्यूलो k प्लस वन होगा, ये जो मेरा जो भी रिमाइंडर आएगा, इतनी बार मैं फिर से 11 ले लूंगा, क्यों, क्योंकि जो पिछला सेट होगा उसके लास्ट में तो 7 आ रहा होगा, तो उसकी जगह फिर उसके बाद में 11 को कंटिन्यू कर सकता हूँ, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ सेट्स फिर ये एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे प्लस फिर जो रिमाइंडर होगा इतने टाइम्स 11 और ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो ये मैंने तीन इंटीजर्स एन एम और के बना लिए, एक एरे बना ली एन एलिमेंट्स की और सारे के सारे इनपुट ले लिए, ओके, जिसमें एन इमोट की हर एक इमोट की वैल्यू होगी, हैप्पीनेस वैल्यू। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ, मैक्स हैप्पीनेस, एम एक्स एच ए पी, इसको इनिशियलाइज कर देते जीरो से। तो देखिए ऐसे मैं गिन लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स मेरे पास कितने होंगे, एम डिवाइडेड बाय के प्लस वन। सेट मतलब क्या, कि ये जो हमने यहाँ पर देखा था ये एक है कि 11 के टाइम्स आएगा और 7 एक टाइम आएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हमको करनी थी कि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ये जो एरे हमको मिली है तभी तो हमको लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेंगे। तो सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस एन, ये हम इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। अच्छा इसके लिए मुझे यहाँ पर बिट्स लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच, ओके, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, एस आ जाएगा नंबर ऑफ सेट्स, और फिर एक मैं क्या बना देता हूँ, रिमाइंडर बना देता हूँ, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, एम मॉड्यूलो के प्लस वन, ओके। तो मेरी मैक्स हैप्पीनेस क्या आ जाएगी, एम एक्स एच ए पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कि जो नंबर ऑफ सेट्स है मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय के क्यू, क्योंकि एक सेट में जो मेरा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कितनी बार आ रहा है, एन माइनस वन टाइम्स आ रहा है, सॉरी के टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर था ना, जैसे कि ये मेरा एक सेट था पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक सेट था, इसमें जो मेरा 11 था वो कितनी बार आ रहा था, के टाइम्स आ रहा था, है ना। तो 11 मतलब ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी सेट्स दैट वी हैव, ओके। तो ये हो जाएगा, फिर प्लस में क्या करूंगा, फिर जितना मेरा रिमाइंडर है ये रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय एक बार फिर से, अच्छा एक मिनट, हाँ तो ये के टाइम्स आ रहा था, फिर एस मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ एन माइनस टू, एन माइनस टू क्यों, क्योंकि जितने सेट्स हैं तो एक एक बार जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आ रहा होगा, और फिर प्लस जो हमारा रिमाइंडर होगा मल्टीप्लाइड बाय k
फिर से एक बार जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो। ओके तो ये मेरी मैक्स हैप्पीनेस हो जाएगी और इसको मैं क्या करूंगा प्रिंट करवा दूंगा। तो ये था पूरा का पूरा कोड, तो इसको सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर और टेस्ट केस टू, एक मिनट इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। आउटपुट ये माइनस आ रहा है, क्या है? रन टाइम एरर साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, तो इंटीजर ओवरफ्लो बता रहा है, तो क्योंकि ये क्या बोल रहा है, दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टाइप इन। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब उसको इंटीजर की जगह लॉन्ग लॉन्ग इंट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो इसको हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट बना देते हैं। ओके, तो मेरा मैक्स हैप्पीनेस भी हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग इंट। हाँ ठीक है, अब इसको फिर से सबमिट करते हैं। और कुछ बचा है क्या? नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेड। ओके गाइस, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।